अस्सलाम वालेकुम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज देयर एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस। देयर इज़ नॉट एनी बर्ड इन द ट्री, तो इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इजंट एनी बर्ड इन द ट्री। आसमान पर सितारे हैं, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। भाई स्काई के साथ भी गौरव ने कहा है हमें कि इन लगाएं, लॉजिक कोई नहीं बताई। अच्छा, इसको नेगेटिव बनाएं, देयर आर नॉट एनी स्टार्स इन द स्काई, और अगर स्पोकन इंग्लिश में देयर आरंट एनी स्टार्स इन द स्काई। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, क्या दरख्त पर परिंदा नहीं है? इज देयर नॉट एनी बर्ड इन द ट्री, और स्पोकन इजंट देयर एनी बर्ड इन द ट्री। क्या आसमान पर सितारे नहीं हैं? आर देयर नॉट एनी स्टार्स इन द स्काई, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्पोकन इंग्लिश में बोलना हो तो आरंट देयर एनी स्टार्स इन द स्काई। अब आ जाइए क्वेश्चन टैग, जो है ना कहते हैं कन्फर्मेशन के लिए। देयर इज ए बर्ड इन द ट्री, दरख्त पर परिंदा है ना? इजंट देयर, ये देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इजंट देयर आया, है ना, जो हम उर्दू में है ना कहते हैं। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, आरंट देयर, है ना, यानी आसमान पर सितारे हैं, है ना, aren't there, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो देखें जो क्वेश्चन टैग है ना कि इंग्लिश क्या है, aren't there, there is not any bird in the tree, is there, इसकी है ना is there होगी क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट। there aren't any stars in the sky, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, तो are they, है ना, ये है इसकी इंग्लिश। तो स्टूडेंट, ये स्पोकन इंग्लिश के हवाले से तो पॉइंट्स हो गए, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। शुरू करते हैं कि बाग में फूल हैं, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। क्या आसमान पर बादल हैं? आर देयर क्लाउड्स इन द स्काई। किसान खेत में नहीं है, देयर इज नो फार्मर इन द फॉर्म या इन द फील्ड। क्या उसके सर पर टोपी नहीं है? इज देयर नो कैप ऑन हिज हेड। मैदान में खिलाड़ी हैं, देयर आर प्लेयर्स इन द प्ले ग्राउंड। अम्पायर मैदान में नहीं है, इज देयर नो अम्पायर इन द प्ले ग्राउंड। दूध में मक्खी क्यों है? Why is there a fly in the milk? क्या तालाब में मछलियाँ हैं? Are there fish in the tank? सड़क पर गाड़ियाँ हैं, There are vehicles on the road. भाई स्टूडेंट, व्हीकल इसलिए बोला कि तमाम किस्म की गाड़ियों को व्हीकल्स कहते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर गाड़ी होती तो उसका नाम लिखते। और आगे है कि इस दुकान में घटिया सामान है, There is substandard stuff या goods, stuff या goods at this shop. क्या आपके घर में चार कमरे हैं? Are there four rooms in your house? आपकी जेब में कलम क्यों नहीं है? Why is there no pen in your pocket? तो students, ये sentences भी हो गए। आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सारी इंग्लिश आप सीख पाएंगे। मैंने ये एक मिशन बनाया है आप लोगों को सारी इंग्लिश सिखाने के लिए। इसके लिए तीन लेवल्स में मैंने इंग्लिश सिखाना है, अभी ये फर्स्ट लेवल जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।